हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी बीजी का नाम मिंदो पिंड नागकल बीजी की अगवाई के काफ़ी दिनों तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए सी। डॉक्टरी रिपोर्ट मुताबिक इन्हों डेंगू बुखार और सैल बहुत ज़्यादा घटे सी। रोज़ दवाई लेंदे रहेंदे सी पर कोई भी फर्क इन्हों नहीं सी पैंदा। छे ग्लूकोज भी लगे पर कोई भी फर्क इन्हों नहीं सी पै रहा। फिर प्रभु के दास और दासी इन्हों के घर गए प्रार्थना की वचन पढ़े और प्रभु के दासा के द्वारा वचना के द्वारा जो इन्हों बुखार और सैलों की प्रॉब्लम तो शिफा नहीं सी मिल रही। जब इन्हें प्रभु के दासा ने प्रार्थना की इन्हों दवाई लगनी शुरू हो गई। उस दिन ही इन्हों प्रभु जी के आत्मा ने इन्होंने दासा के द्वारा वचना के द्वारा छूया और जी पहला इन्हों एक हफ्ते तो दवाई नहीं सी लग रही उस दिन इन्हों इन्हों का जड़ा जड़ा बदल गया और प्रभु जी ने इन्हों दासा के द्वारा वचना के द्वारा जो एक हफ्ते तो इन्हों सैलों की प्रॉब्लम से उत्तों आज़ाद किया है। हुण यह काफ़ी दिन हो चुके बिल्कुल ठीक हैं ना सैलों की प्रॉब्लम तो भी आज़ाद हैं डेंगू बुखार तो भी आज़ाद हैं और इनफेक्शन तो भी। इस महान कृपा वास्ते अपने दासों का और अपने प्रभु जी का दिल तो धन्यवाद करते सब भैन भाई ज्यादा तारीफ करेंगे आमीन। प्रभु जी सिस्टर का नाम बीरो पिंड रोड़ी कला। सिस्टर जी की अगवाई की इन्हों की बेटी का जीवन साथी भी काफ़ी बहुत ज़्यादा बीमार सी और पहला वो बिल्कुल ठीक हो गया सी। उन्होंने भी सैलों की प्रॉब्लम सी काला पी लिया सी और इनफेक्शन बहुत ज़्यादा सी। फिर ना तो वो चर्च आए और ना ही प्रार्थना करते रहे प्रॉब्लम जड़ी दोबारा फिर शुरू हो गई। पिछले हफ्ते वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गए। फतेहगढ़ के हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने जवाब दे दिता कि अमृतसर लै जाओ ये बहुत ही डर गए और इन्हें प्रभु के दासा नूं फोन लाया और फोन पर ही प्रभु के दासा ने प्रार्थना की और इन्होंने कहा जो तुहानूं तरीके दसे उन्होंने करो प्रभु जी आज़ाद करनगे। इन्हां दे जी बेटी के जीवन साथी नूं प्रभु जी ने इन्हां दासा के द्वारा वचना के द्वारा इनफेक्शन बहुत सारी सी और सैल भी बहुत सारे घटे सी और डेंगू बुखार भी सी उतों प्रभु जी ने आज़ाद किया। इस महान कृपा वास्ते अपने दासा का और अपने प्रभु जी का दिल तो धन्यवाद करते सब भैन भाई ज्यादा तारीफ करेंगे आमीन। प्रभु जी सिस्टर का नाम मिंदो पिंड नागकल। सिस्टर जी अगवाई की 1.5 महीने तो सिस्टर जी भी बहुत ज़्यादा बीमार सी। डॉक्टरी रिपोर्ट मुताबिक इन्हों भी इनफेक्शन बहुत ज़्यादा वधी सी सैल बहुत ज़्यादा घटे सी डेंगू बुखार टाइफाइड बुखार 1.5 महीने तो ही इलाज करवा रहे सी पर कोई भी फर्क नहीं सी पै रहा। प्रभु के दास और दासी लगातार इन्हों के घर में बार बार जाते रहे और प्रार्थना करते रहे। प्रभु जी ने दासा ने बोलिया कि इस बार सिस्टर जी प्रभु जी तुहानू हॉस्पिटल नहीं जान देंगे। जो प्रभु के दासा ने बोलिया वही होया कि तुहाडा घर विच ही इलाज चलेगा। फिर जो पहला इन्हां नूं 1.5 महीने तो दवाई नहीं सी लगती जब मगर प्रार्थना शुरू हुई प्रभु के दास लगातार मेहनत करते रहे इन्हां वास्ते प्रार्थना करते रहो फिर इन्हां नूं दवाई लगनी शुरू हो गई। 2-3 हफ्ते प्रभु के दासा ने कोठे से प्रोफेसी की सी नाम लैके कि भैन मिंदो नूं प्रभु का आत्मा सैलों की प्रॉब्लम तो आज़ाद करने वास्ते जा रहे। उस दिन तो ये सिस्टर जी बिल्कुल ठीक हैं सैलों की प्रॉब्लम तो भी आज़ाद हैं बिल्कुल। टेस्ट रिपोर्टा जड़िया सारिया नॉर्मल डेंगू बुखार तो आज़ाद हैं सैलों की प्रॉब्लम तो इनफेक्शन तो प्रभु जी ने बहुत सारिया बीमारियों तो दासा के द्वारा वचना के द्वारा सिस्टर जी ने आज़ाद किया। इस महान कृपा वास्ते अपने दासा का और अपने प्रभु जी का दिल तो धन्यवाद करते सब भैन भाई ज्यादा तारीफ करेंगे आमीन। प्रभु जी सिस्टर का नाम कवलजीत कौर पिंड हरिया। सिस्टर जी की अगवाई की 1 साल पहला इन्होंने कमरा बनाना शुरू किया और जिदी छत जड़ी रुकी हुई सी 1 साल तो ही इन्हों का जड़ा बार बार सोचते कि साढ़े कोठे के उपर जी छत पै जाए पर बहुत सारिया कमियां होने के कारण इन्हों का काम जड़ा अड़िया होया। प्रभु के दास इन बार बार बोलते कि बैबल फड़ के अपन कमियां लभो प्रभु जी आज़ाद करे। जब ये सिस्टर जी ने अपने घर चो टीवी बंद किया और जो ये मीटर के किसी के तो
कुंडी लाते कुंडी लानी बंद की ना किसी के मीटर विचों तारा तार ला के उन्होंने कहा कि असं तुम बिल देवे तो इन्हें अपना काम जोड़े पहलिया गलतियां उन्होंने छड़िया प्रभु जी के दास इन्हों घर गए इन्हें प्रभु के दास अगे बेनती की कि प्रभु जी साढ़े अड़े काम प्रार्थना करो कि साड़ा अड़िया काम जोड़ा फतेह हो जाए प्रभु की महान कृपा जब प्रभु के दास इन्हों घर उस तो 15 के दिन बाद इस भैन के जो एक साल तो अड़िया काम से घर नहीं बनता प्रभु के दासा के द्वारा वचना के द्वारा प्रभु जी ने इन्हों आशीष दी है भैन के कोठे के उपर छत पई चार दीवारी हुई पूरा घर जरा वधिया बन गया इस महान कृपा वास्ते अपने दासा का और अपने प्रभु जी का दिल तो धन्यवाद करते सब भैन भाई जो तारीफ करेंगे दूसरी गवाही सिस्टर जी दी है कि 8 दिनों तो इन्हों बहुत सारा बुखार चढ़ता सी दवाई लेंदे रहिंदे सी पर कोई भी फर्क जड़ा नहीं सी पैंदा परसों इन्हें प्रभु के दासा कोलों फोन ते प्रार्थना करवाई तो और इन्होंने टेस्ट करवाने से और इन्हें प्रार्थना की कि संजी मेरे टेस्ट रिपोर्टा जड़ियाँ बिल्कुल नॉर्मल कोई भी प्रॉब्लम जड़ी ना आए जो प्रभु के दासा ने बोलिया वही होया कि टेस्ट रिपोर्टा सब नॉर्मल आईया प्रभु के दासा के द्वारा वचना के द्वारा बुखार तो सिस्टर जी ने प्रभु ने आजाद किया इस महान कृपा वास्ते अपने दासा का और अपने प्रभु जी का दिल तो धन्यवाद करते सब भैन भाई जो तारीफ करेंगे आमीन सारे भैन भाइयों जैम श्री दासा ने भी जैम श्री भैन भाई गवाही मेरी इस तरह कि मेरे जीवन साथी राती बहुत ज़्यादा इन्होंने बुखार हो गया है चंगे भले गए आटो लैके तो मतलब कि इन्होंने आंदा मतलब कि शामी जी बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है घर आए मैं बाइबल पढ़न लई तो कहते बुखार न्याणे कहते मम्मी डैडी ने बुखार बड़ा है ये आँदे आँदे टेस्ट डॉक्टर को चेक करा के तो बुखार की मतलब दवाई लाए तो मैं बाइबल पढ़ती ने आख्या मैं फोन ला के तो संतां को प्रार्थना करा लो मैंने पता शैतान की चाल आ पर मैं प्रार्थना बाइबल पढ़नी नहीं छी मैं एक संतान का वचन सुन रही हाँ उन्हें कहा भी तो ताड़े घर कोई प्रौहना आए चाहे मामा चाहे चाचा चाहे कुछ भी कोई भी ताड़े घर आए कुछ भी पवे पर तुम बाइबल पढ़ रहे तो तुम जिन्ना टाइम भी बाइबल का रखे तुम बाइबल पढ़ के तो फिर ही तुम नहीं बाइबल छड़नी तुम कोई भी काम करते प्रार्थना कर रहे रोकड़ी नहीं है तुम अपना पूरा काम परमेश्वर पहल दे के तो फिर तुम और कोई काम करना मैं इस तरह किए मैं बाइबल पढ़ती रही मैं पूरा घंटा बाइबल पढ़ के फिर इन्होंने वाल वेख्या तो परमेश्वर ने मतलब बहुत ज़्यादा बुखार ही उस तरह दवाई भी खाधी बाद फिर कहते भी मेरिया लत्त बहुत ज़्यादा दर्द हो मैं साढ़े घर परमेश्वर का खून पिया ही और मैं वो रखे संतों को खड़िया मैं वो प्रार्थना करके तो मैं लाया फिर मैं कन में जबूर पढ़ना शुरू किया तो लत्त बहुत ज़्यादा दर्द मेरा सिर भी है फट नहीं रहा तो मैं कन में जबूर 7 वारी पढ़िया नाल सिर तेल चलसिया नाल लत्तों मतलब मालिश की मैं कर में जबूर पढ़ाया परमेश्वर के महान कृपा ही जी लत्त ने दर्द तो भी परमेश्वर ने सिफा दी जो सिर की दर्द ही बहुत ज़्यादा सिर फटन दिया सी उतों भी परमेश्वर ने सिफा दी बुखार की शक्ति भी सारी जाती रही मैं प्रभु का यह सवेरे उठे मैं क्या परमेश्वर ज़्यादा ही सवेरे जाइए तेरे भवन के मैं जावा तो मैं गवाही देव प्रभु तू चंगा कर जिनी भी प्रॉब्लम है तू सारी सोल कर प्रभु सानू रात कोई परेशानी ना आए कोई मुश्किल ना आए कि इन्ने ज़्यादा तरले रहन दे मैं प्रभु अही कोई किसी हस्पताल नहीं मैं परमेश्वर बड़ा मैनू डर लगता तू तेरी महान कृपा ही होवे प्रभु तू सानू अपने बच्चों संभाल के रखी तो असी तेरी महान जिंदा सवेरे मैं गवाही देव प्रभु ने सचमुच भैन भैरों मिठी तो प्यारी नींद दी सानू परमेश्वर ने संभालिया तो मैं प्रभु सानू प्रभु ने कोई परेशानी प्रभु शैतान ने सानू करना चाहिया पर परमेश्वर ने सानू संभालिया मैं प्रभु का तो प्रभु के दासां का जिन्होंने सानू तरीके सिखाया कि जिन्होंने आख्या कोई भी मुश्किल आए तुम डरना नहीं तुम घबरा नहीं मैं इस तरह प्रभु के गाड़ी दवा की कि प्रभु तू सानू मजबूती वाला जीवन दिता मेरे परमेश्वर मैं तेरा शुक्र करती हाँ तो इस तरह मैं कन में जबूर जद पढ़िया तो यह मुड़ के शांति नाल सौ गए मैं प्रभु का तो प्रभु के दासां का दिल तो धन्यवाद करती हाँ इन्ने क मेरे जीवन की गवाही है सारे भैन भाइयों ने जैन सिंह